प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से स्वीप प्लान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनेक आयोजन आयोजित किए गए, जहां इंदौर में मतदाताओं को जागरूक करने में अपनी सराहनीय भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को जिला प्रशासन की ओर से इनाम दिया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए यह रिपोर्ट। तीन चरणों में मतदान प्रतिशत में हुई गिरावट के बाद चौथे चरण के लिए इंदौर जिला प्रशासन ने अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए मतदान से पहले जिला प्रशासन ने बीएलओ और वॉलंटियरों को इनाम देने की घोषणा की थी, जहां मतदान के बाद शहर में जिन बीएलओ और वॉलंटियर्स के द्वारा 75% से अधिक मतदान कराया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में 80% से अधिक वोटिंग हुई है, ऐसे कर्मचारियों को अब इनाम दिया जाएगा, जिसको लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र रघुवंशी ने कहा कि प्रशासन की ओर से इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। 17 तारीख को यह राशि दी जाएगी। मतदान प्रारंभ होने के पहले जिला प्रशासन की ओर से बीएलओ और वॉलंटियरों को कुछ पारितोषिक देने की घोषणाएं की गई थी। इसके तहत ऐसे बीएलओ और वॉलंटियर्स जिनके द्वारा मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाएगा और अधिक से अधिक मतदान कराया जाएगा, उनको पारितोषिक दिया जाएगा। शहर के अंदर जिन बीएलओ द्वारा और वॉलंटियरों द्वारा 75% से अधिक मतदान कराया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में 80% से अधिक जिन मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुआ है, ऐसे बीएलओ और वॉलंटियरों को पारितोषिक दिया जाएगा। 11 वॉलंटियर को सिलेक्शन किया गया है, जिसमें प्रत्येक वॉलंटियरों को 11,000 की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक बीएलओ को 5,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। अभी चयन की प्रक्रिया जारी है और लगभग 66 बीएलओ का चयन किया जा चुका है, जिन्हें पारितोषिक दिया जाएगा। कहां पर रहेगा, कितनी तारीख की कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 17 तारीख को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट के जो 210 सभा कक्ष है उसी के अंदर किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर निर्वाचन आयोग के सकारात्मक कदम के बाद इंदौर संसदीय सीट पर 60% मतदान दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।